रेडियो कोरापुटर समस्त श्रोता अभिनंदन। आज एक नियारा कथा शुणा निहारा जात्रा से जात्रा संपर्क आम अति प्रिय प्रियव्रत पात्र भाई निजे अनुभव करजे जा जगह को जगह संपर्क से गोटाए रेयर टेम्पल ऑफ इंडिया जहाँकि पंडिचेरी निकटर विलुपुरम निकटे अवस्थित से हूँ अर्णव मंदिर। तेज से मंदिर संपर्क एवं से मंदिर को कौ मैंने जाती कौ मान से आराध्य देवता ये सब संपर्क आम जाना एवं से जो यात्रा करते से यात्रा समय रे जो अनुभूति नहीं थे से संपर्क में जाना। प्रियव्रत भाई आपको स्वागत करुचु। आपत कहते पंडिचेरी निकटर विलुपुरम निकटने अर्णव देवता जो अच्छा मंदिर को आपल बहुत कष्ट आपड़ी जा पहुँचते तेज एत कष्ट आप मंदिर टाक दूर से आप कहीं जावाक इच्छा कले कौन से मंदिर तात्पर्य रही। नमस्कार श्रोता बंधु, आपण मैंने जानते आम बर्तमान जो बहुत चर्चित विषय भारत में जो थर्ड जेंडर कथा तृतीय लिंग विषय आम सचेतन बर्तमान आम देश नागरिक भाव तो सेटा को दीर्घ दिन धरिकी भारत समाज में गोटे अवहेलित कुचित गोटे अणालोचित विषय रूपे धरा जाता एवं भी आम मन जनमानस मनरे सेमती गोटे अमर्यादा सूचक भाव आम ग्रहण कर देखिथे रास्तार घाटर ट्रेन में बस रे सबू केवल आम जानू से भिक्षा कर भिक्षा कर बचुवा गोटे दल आम शिक्षित लोक मैंने गोटे रकम भय करूँ तो से लोक मानकर जे गोटे देवता अच्छी गोटे किंवदंती अच्छी गोटे मंदिरटे अच्छी आ सारा भारत रु विभिन्न विभिन्न श्रेणीर अर्थात भितर विभिन्न प्रकार कैटेगोरी अच्छी श्रेणी विभाग अच्छी विभिन्न अर्थनैतिक ग्रुप्र लोक भी आसती से गोटे मंदिर अच्छी से दक्षिण भारत तामिलनाडु भिल्लीपुरम पाखे पंडिचेरी पाखे भिल्लीपुरम अच्छी पाखापाखि 30 किलोमीटर भिल्लीपुरम रु पाखापाखि से ही 30-40 किलोमीटर दूर से गोटे जगह अच्छी से कोयागाम बोलिकी इंग्राजी कोभागाम लिखाई किंतु प्रोनाउनसीएसन आश्चर्य कथा ओकुआगाम बोलिकी से लोक मैंने कौन तो आप गूगल देखिए जब कोभागाम पचारे कि कहवाक ना कोआगाम मुझे जानी तो इमी अवस्था भितर तथापि मुझ मैप देखिकी बहु कष्ट भितर मुझे दीदीटा गाड़ी चेंज कर अटोटे जाती छाड़ू कष्ट तो कष्ट बड़ कथ नुह गोटे नुआ जिनस देखा आम श्रोता बंधु मान कि कह निजे आनंद पाया से गोटे अलग निरा अनुभूति तो जीवाटा दुष्कर था सबुठ मजा था जिते बड़े मत बस बाला ओल्लैदेला यूँ ओल्ल जातु आगाम पचारिकी जातु आ गाड़ी क्षिप्र गतिर पलैगला मुझे ओल्लैला आड़ दल लोक ओल्लैले कहीं मतलब साहय करा किए कि बुझा अवस्था ना कहीं से इंटेरियर तामिलनाडु इंटेरियर तामिलनाडु हिंदी स्वर शब्द ना कि इंग्राजी भी स्वर शब्द ना ओनली तामिल कौन करा कौन करा जहा गोटे कलेज झीटे दूसला जी कि दीपद इंग्राजी कथा कहला कौटी जावाक चाहू मुझ बड़ अप्रस्तुत भाव से कथ कहली कोभागाम कोभागाम रपभ्रंश करोभागाम कोभागाम जहाँ इंग्राजी लिखाई गूगल बोलतु तो सी कहला डोंट प्रोनाउंस द नेम यू टेल मी फॉर व्हाट यू आर गोइंग मुझ देख ली ए लोकटा को कही आसे मुझे देर इज ए गॉड वेरी रेयर टाइप टेम्पल एंड अर्बान देव इज द गॉड आई वांट टू सी दैट टेम्पल अर्बान देव देन ओके वेरी नाइस एमती कही से मतलब हैंडसेक कला मिले ये आहरी विचित्र कथा भारत भाया देश में अजना झीटे जब हैंडसेक करुँच हाँ ये मत गोटे विरल कथ आमपाई तो सी कहला डोंट वारी आई विल कोऑपरेट यू आई अल्सो बिलोंग टू यू योर ग्रुप तो मुझे हो ना एमती कथा आपको सीठ डायरेक्ट गाड़ी मिले नहीं खंडे बाट गला गोटे अटो मिल अटो आप रिजर्व करके मुझे किसी बाट पर्यटन जाऊँगी आपको कोऑपरेट करी तो से अटो मुझ रिजर्व कली सी भी गाँ बाटर गोटे पड़े सब बाटर से विभिन्न कथा कहले सी कहले सी जन थर्ड जेंडर आदिओ झीला ड्रेस पिंधुं कितु तक समाज भी सेमती सम्मान दौनी आए गोटे यूनियन रहा कहले गोटे परस्पर साहयपाई गोटे संगठन संघ कर से संघर टोकन हिसाब से गोटे फिताटे भी बांधिदेले आभिन्न ना कहले जोटा कि अन्न भेटवे कि मोर से सब विशेष रुचि रहा मुझे सिनसीयरिटा केवल प्रशंसा कर सेठ आगू चलला अटक सी पलैगला गाँव को गाड़ी चलला
तमिलनाडु जो अभ्यंतरण गोटे श्रीलंकार जदि के देखिथे भिडियो कि न्यूज सेमितिका अवस्था लोक मानकर चाली चलन संपूर्ण यूनिक जोड़ा कि चेन्नई कि पंडिचेरी आम देखा पाइबा से विषय तो गाड़ी क्षिप्र गति गला जाकर पहुँचला अर्णवदेव मंदिर रे। तो आपन कहि रखे से मंदिर कौन बड़ गोटे बहुत बड़ मंदिर ना ना सीटा गोटे बहु प्राचीन मंदिर पथर मंदिर किंतु समाज आखिर जेहेतु दीर्घ दिन धरिकी से जाति गोटे उपहसित अवहेलित कर रखा जाइए ये जो कते हजार वर्ष भितर कौन से रजा कि संभ्रांत कि गोटे पॉलिटिकल लीडर कि तांको दल भितर थर्ड जेंडर भितर जन किए न्यू लीडर बाहरी तार रिनोवेशन करवा तार रक्षणाबेक्षण से सब ही ना तेणु से जराजीर्ण होकर रही केवल चून टे मारिक जहाँ जमी चल चलते पथर मंदिर बोली बंचिक अच्छी अन्य जदि ईटा सीमेंटर मंदिर होती कौ काल ध्वस ही सारता तो कमी कौन से मंदिर लोक आसुचारेजर्ट मुझे गली आज की आठ दिन आठ दस दिन ते गोटे विराट मेला चलता बर्षक पखापाखि षोल दिन धरिक से मेलाटी चले बर्षक तो षोल दिन धरिक सारा भारत आप विश्वास कर इवेन अन्य कम्युनिटी अन्य रिलीजन रू मुसलमान ख्रीस्टियन आसती जे सेमाने समस्ते सचराचर धरी नहीं अन्नवदेव होकर देवता आने बाहर ये आसे बुलवाक आसती कि मौज कि मेला मौज से कथा नुह तेनाली आश्चर्य लगुए एम गोटे घटना शुणी गोटे लोकटे आसिकार देवता बाहा हे तेणु आमर तो हिंदू चलणी में भारत अन्न्य तीर्थ जगार सुचलणी ना तेणु कि आसिक ये मेला महोत्सव हुए बड़ बड़ सब बाउँस भिड़ा कि टेन्ट फेन्ट भिड़ा हुए अजस्र नाच गीत खूब खुशी हूँ से जन से बह करती बेस्ट परफॉर्मेंस जहाँ नृत्य गीत कम्युनिटी विभिन्न प्रकार एजेंडा भी सी डिक्लेयर हुए सरकार कौन कौन सब योजना करा भी समस्त जन दि जाए गोटे बड़धरण काम से कथा परवर्त चिंता कितु बर्तमान मुझे कह मंदिर विषय तो कही रखे अरबान देव किए यहाँ भी पचार गोटे जानवाक इच्छा हो आमर मूल महाभारत ए कहानी ना महाभारत जो विभिन्न आंचलिक महाभारत सब परवर्त समय या कि नुआ जिन जोग है किसी जिन भी से बाहरी गला जिन आम ओडार सरल महाभारत अच्छी कि दांडी रामायण अच्छी सब अच्छी तो ये जो रामायण जदि महाभारत ढीला तमिलनाडु तमिल भाषा जमी शिलापदिक्रम गोटे बहु प्राचीन दुई हजार वर्ष दल पुराण गोटे कहतु कथनिका तो सेमती जो होता है गोटे अपूर्व कहानी रही महाभारत युद्ध समय हठात पांडव कूल में भाणी पड़ा जे कौरव पक्षर महाधनुर्धर महाशक्तिशा भीष्म द्रोण सब अच्छा तेनाली हाथ में पांडव दल निश्चिन्न हो एकदम अनिवार्य तो से भाई चिंतित अवस्था श्रीकृष्ण गोटे उपाय कहले कहे ये जे देवी अच्छा से देवी को जदि आम बलि सन्तुष्ट कर तो युद्धर गति बदल आमको जदि बंचार अच्छी आम से देवी को गोटे बलि दरकार किंतु बलिटी एमती समा असामान्य होता दरकार असामान्य अर्थ से वीर होते वीर श्रेष्ठ होते कांतिजुक्त होते जौवन भरपूर जौवन थे देहर तर कौन क्षत विक्षत ननर तर कौन क्षत नर अतीत कौन पापाचार घटना जनसमाज जाणी नृदय पंकिल नए स्वच्छती ये भाई जड़े वीर जेक युद्धपाई जीवन उत्सर्ग करने सदा प्रस्तुत सेमती वीरटे जदि आम बलिदे तो देवी प्रसन्न होकर सी आम सपक्ष आम अंत बर्ती जा कालिका युद्धर तो खोजा जिते पड़ा यहाँ असंभव भाव जना पड़ा कई सेमती राजी हेले ना एकम्र योग्य थे पंचु पांडव कितु से राजी हेले ना मुंड तल कर ठिया हेले श्रीकृष्ण हसिले कह कौन करवाठू से कि उपाय ना ये समय से दल भितर जन युवक पलि आसिले सी होंगे अर्जुन पुत्र अरबान देव इटि इरबान आईआर बी एन भी लिखा जाए किंतु एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन अरबान देव ना अरबान देव बलिष्ठ चेहरा हसिले ठोटो कहले यही कथा प्रभु मु बर्तमान प्रस्तुत होती शत प्रतिशत भाव आप उत्सर्ग करा प्रस्तुत मोर बापा दादा एम जमी लज्जार मुंड तौक न हो जाऊ मोर पांडव कूल जमी युद्धर जयजुक्त करूँ यही आशा नहीं बर्तमान आप चरण पाखे मुझे जीवन उत्सर्ग सी आंठिक बसीगले श्रीकृष्ण आगे श्रीकृष्ण विभिन्न कथ पचारे ये खाली उपर उपर कौ भितर सत अच्छी ये कह देख इमें कथ तुम्हें राजा ही था सी राजभोग राजकन्या कितने कथ अच्छी तुम जीवन में सब छाड़ी तुम्हें कौन उत्सर्ग कर तो सी हाँ 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 कि त्रिवार हाँ कलापर श्रीकृष्ण कह ठीक अच्छे यही लोक होती ठीक लोक या आम देवा सका बड़ी तो भितर कौन कपटता नाला सी स्वेच्छार राजी होते खुशी भी थे जहाँ एड़े बड़े बड़े महान कम पांडव सपक्ष में सी एड़े बड़े जो यज्ञ चली से निजी उत्सर्ग कर प्रस्तुत तो श्रीकृष्ण देखिले ये गोटे घोर अन्याय से करने को जा मन गोटे दुख आसा कह अरबान किसी जदि
मानव शरीर पाइ कि दुख अच्छी कह मु निश्चय चेष्टा करी तुम से दुख अभिलाष टी छोटिया जदि थी कह मु निश्चय अभिलाष तुम पूर्ण करी से पुणी हसिले सी तो खोलामेला लोक अर्बाना देव से कहे कौन कह मोर जौवन भितर मोर बह कर इच्छा था मोर कन्या भी देखा चली हूँ तो कन्याटे भी ठीक गोटे आपड़ जदि कहे मोपाई जो गोटे कन्याटे देखी दिखते सुंदरी कन्याटे गोटे रात्रिपाई हूँ पचे मुझे बहुत करती सका मुझुद्धपाई प्रस्तुत बलिपाई प्रस्तुत श्रीकृष्ण पुणी घोषणा कले जाओ गोटे सुंदरी कन्या जी राजी हे स्वेच्छार रातिर बाहि सका वैधव्य को जी ग्रहण कर राजी हो सुंदर कन्या से कन्या भी मिले ना से पुणी पांडव चुप रही गले जदि कन्या मिलनी यार पूरण हेनी ये कौन बलिपाई श्रीकृष्ण हो पार कथा दे मैंने निश्चित रूप कथार भी से निज अंशर से प्रस्तुत कले ना कहगला मोहिनी कन्या इतने सुंदर जो पृथ्वी पक्ष कन्या कधवा के आसती स्वर्गर अवसर आड़ को बलिकी सी जो आसीगले अरमान देव कहे ये ठीक ये मुझे बाहर ये 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 जानी तो कल मोर मृत्यु अच्छी कल सकाल ये विधवा हो श्रीकृष्ण से सब जानते आउे मानव शरीर रूपे तुम अंत वैधव्य जीवन रता शहे वर्ष वैधव्य जीवन को सी ग्रहण करवा प्रस्तुत स्वेच्छार से राजी होती तो बहुत है जमीती वैवाहिक मनीष गोटे रजार पुअर जिन बहला सरलादिन अरबान देव को जमी विधिमते बलि चढ़े दिगला आत्री अर्थात मोहिनी से सारा जीवन वैधव्य को आपण ने ये हूँ कहानी तो कहानी पर आमर भारत बर्षर जिते सब तृतीय लिंगर जो रही लोक मैंने कहते जे श्रीकृष्ण से जो मोहिनी कन्या हूँ अंशर आम जत से के मरी ना वैधव्य के सरी ना आम हूँ अंशर जत तेणु आम हूँ से जो थर्ड जेंडर जाऊ कह किन्नर कहते जो मैंने सेटार कर हिंजड़ा कहते छका कहते माइचिया कहते आम सब गोटे घोर अमानविक भाव व्यवहार कर शब्द व्यवहार कर दुख पाती कितु से किन्नर सो किन्नर मान हूँ मोहिनी कन्या अंश आ प्रत वर्ष ये डेटा एक्जाक्ट मुझे आज की पांच सात दिन तेल से पर्वटा सरगला दीर्घ 14 दिन 16 दिन व्यापी से पर्व चले सारा भारत रु किन्नर मैंने आसती बह करती नाच गीत धूमधाम हुए भोज भात हुए परस्पर को कुंडे पकाती खुशी से सेतक दिन से निजक राजकन्या भावती मंदिर अन्नदेव कमी मूर्ति रही मूर्ति केवल मुह मूर्ति अच्छी मुह जमी गोटे रजा जमी मानने तार जमी दम्भ तार पुरुषार्थ नहीं सब गर्वित अस्मिता को लेकर सब स्मित हस्य सीमें निषदीटा ठिया ठिया रही आ दक्षिण मूर्ति गुड़ाक जमी निश थी ये थी ये सब प्रकार पूजा कौन कर पूजा आपण शिव को जो प्रकार निरामिष कौन से आमिष फामिष छाग बड़े फल किसी किसी ना सब से सादा पूजा सादा होने मंदिर भाई सा हो पाए गोटे के परंपरा था बदली 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 बर्तमान गोटे आउ गोटे विचित्र दृश्य सीटे कखारूक सब फड़ा हो पड़े देखिए सीधे अलता पकाई थी जेहेतु छागवली मछवली हिंसा को प्रश्रय दि जाए ना से कहती आम पृथ्वी मंगलपाई आम केवल आशीर्वाद दे जाणु आम कह हत्यार भागीदार नुह कि हत्या को आम समर्थन करूना तेणु से कौन करती जो कखारू पा कखारू जहाँ जो बढ़ी पकाती से पा पखारू छेचिक दिगड़ी कर सारापर से दिगड़ी उपने लाल रंगर अलता पकई दिखती आज प्रतीक कौन ना आपण गोटे स्त्री जो जन्म करार सामर्थ्य जा कहती आम जो ऋतु रज ऋतुस्राव कहतु बा रज ऋतुमती हेबार जो सामर्थ्य तार सिंबल होटा तेणु से मैंने इमती बलिदान देला भाया दिखती आए तो भगवान कहते हे तो ये जन्मर नाला ना आर जन्म मत जदि करेंगे ये पूर्णांग नारी टे कर अर्ध नारी करते ना बाटर कौ कौ प्रकार सब जाक मूर्ति देखिल बाटर बाटर बड़ विचित्र कथा जमी आदिवासी मानकर आदिवासी संस्कृति में जमी सब गच तले ही मूर्ति पूजा था बाटर अनेक जगह मुझे मूर्ति मान देख ली जोटि की अरबान देव को लेकर किसी मूर्ति अर्थात महाभारत गोटे अंश धरतु अरबान देव ठिया होती सी श्रीकृष्ण पाखे प्रणिपात कर प्रस्तुत होती आसंता दिन सीता जीवन उत्सर्ग कर प्रस्तुत बोली कहते ये परिस्थित सी युवाक नहीं सब मूर्ति गुड़ाक अच्छी बहुत बहुत लाइवली से मूर्ति गुड़िक भारी सुंदर लगे से गोटे जात्रा सुंदर ये संपूर्ण कहानी देखिले मंदिर स्थिति देखिले तमिलनाडु कथा देखिले कहते पांडव हूँ आर्य वंश नॉर्थ इंडिया देखुचे पांडव से गोटे ये गोटे धाड़ी गोटे आमर जो पुराणा कनसेप्ट रही आर्य मैंने उत्तर आसिले द्राविड़ मैंने सब दक्षिण थे तड़ तड़ कर आसे ये आर्य द्राविड़ भर झगड़ा भितर आम जो पकई दि जाए जोटा कि इंग्राजी ऐतिहासिक मैंने बारंबार कहती
ତାକୁ ଏଇଟା ଡିସୋବେ କରେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ ଯେ ଯଦି ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ତାମିଲ ମହାଭାରତରେ ଏକଥା ଲେଖାଯାଇନଥାନ୍ତା ଯେ ଭାରତର କିନ୍ନରମାନେ ପାଣ୍ଡବକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣକୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଆସନ୍ତି, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି ତାର ଅର୍ଥ ପାଣ୍ଡବମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣର, ସେଇ ସେ ବହିଟି କହେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଏଠିକାର ପ୍ରାଚୀନ ମହାଭାରତ କହେ ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣର। କେଉଁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ, କି ସେମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ, କିଏ କାହା ମାରି ନଥିଲା, କିଏ କାହା ଏସବୁ କରିନଥିଲା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିଭାଜିକରଣର ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। ମାନେ ଏଠିକି ଆମର ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସାରା ଭାରତରୁ ଆସନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ଆସନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ପାଣ୍ଡବ ପୁତ୍ର ଅର୍ମାନ ଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ, ଆଉ ଜୀବନରେ ବର୍ଷକରେ ଥରନ୍ତ ସେ ବିବାହ ଜୀବନର ଖୁସି ନେବେ ଓ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ସେ ବୈଧବ୍ୟକୁ ଆଦରି ନେବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରମ୍ପରା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଜଣା କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିୟତ ଭାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗିତା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଏହିସବୁ ଯାକ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ପରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାହା ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯାହା ଇତିହାସ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ସେଥିରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଆମର ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ନିରେଖି ଦେଖିବାର ଏକ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ପ୍ରିୟତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛେ ଯେ ସେ ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟତ ଭାଇଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ରହୁଛୁ। ତେବେ ନମସ୍କାର।